DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. देखिए ऐसा है कि अभी जो कोरोना की संख्या है वो थोड़ी बढ़ रही है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमें संख्या पर नहीं जाना चाहिए, हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि एक तो रिकवरी रेट क्या है और दूसरे जो मरीज आ रहे हैं वो कितने गंभीर हैं। अजमेर के बारे में विशेष रूप से कहूँगा कि हालांकि पिछले 24 घंटे में हमारे पास दो मरीज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हमारी रिकवरी रेट राज्य की औसत रिकवरी रेट से, देश की औसत रिकवरी रेट से कहीं ज़्यादा है। रिकवरी रेट हम उसको कहते हैं कि जब मरीज़ कोरोना फ्री हो जाता है, दो सैंपल उसके नेगेटिव हो जाते हैं, 14 दिन के लिए क्वारंटीन भेजा जाता है, उसको हम रिकवरी रेट कहते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस अजमेर के बारे में है कि हमारी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, और दूसरा हमारे पास कोई बहुत सीरियस पेशेंट नहीं आ रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं ईश्वर की दया से सब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं है, कुछ लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन बाकी सब लोग करीब करीब एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक कोरोना का कोई ऐसे विशेष डर वाला रूप हमने तो नहीं देखा है, तो इसलिए आमजन को भी इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर कहूँगा कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ये जो है लोगों को इन्फेक्ट बहुत जल्दी करती है, परिवार में एक को होती है सबको हो जाती है। अभी दोनों जो रोग पॉजिटिव आए हैं, दोनों लाखन कोटड़ी के निवासी पिता पुत्र हैं, दोनों पॉजिटिव, एक को होता है तो परिवार में करीब करीब सबको होता है, तो इसलिए ये एक थोड़ा डरने की बात है, बाकी इसके अलावा अलहदा कोई डरने की बात नहीं है। हमने कुल मिला के पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों को और डिस्चार्ज किया है, कोरोना फ्री किया है, तो इस तरीके से हम 203 मरीजों को कोरोना फ्री कर चुके हैं, और अभी हमारे पास केवल एक्टिव केस के नाम पर सिर्फ 51 केसेज ही हमारे पास भर्ती हैं, बाकी सब लोग हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं।